सर एक ही एडमिट कार्ड अलाउड है, बाकी का एक्स्ट्रा कागज बाहर रख दो। नमस्कार ज़ैन साथी, ये सीधे विजुअल आप देख रहे हैं, आर्मी एग्ज़ाम के तहत जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसके कुछ विजुअल आपके साथ साझा करें, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत पहली बार जो पैटर्न में बदलाव हुआ है, जिसके तहत ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है, कैंडिडेट्स के एंट्री गेट से ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सिंगल एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा दो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपके पास होनी चाहिए, मास्क भी आपके पास होना चाहिए और आपके पास आइडेंटिटी ये भी होनी चाहिए। भारतीय सेना की ओर से आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट के माध्यम से, एडमिट कार्ड के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है, तमाम कैंडिडेट्स उस जानकारी का विशेष तौर से उसको फॉलो करें और विशेष तौर से तमाम जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसका भी ख्याल रखें। सबसे पहले एडमिट कार्ड में आपको कौन सा शिफ्ट अलॉट किया गया है उसका ध्यान रखें, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है उसका ध्यान रखें, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी सिटी में कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है इसका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको जो स्कूल अलॉट किया गया है उस सिटी के अंदर कई उस नाम से स्कूल्स होती है, संस्थाएँ होती हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं इस विजुअल में पूरी कैंडिडेट्स की गहन जाँच की जा रही है, सही तरीके से उनके एडमिट कार्ड को जाँचा जा रहा है, और 2 से 3 लेयर के करीब यहाँ देखा जा सकता है कि अच्छे तरीके से पूरी जांच करके इन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि आने वाले 7 दिन तक ये एग्ज़ाम की प्रोसेस रहेगी, जिसके अंदर तमाम ट्रेड GD, टेक्निकल, कलर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट और हवलदार की भी भर्ती इसमें शामिल है। आने वाले दिनों में जब ये एग्ज़ाम कम्प्लीट होगा तो भारतीय सेना की ओर से ओपन रैली रिक्रूटमेंट आयोजित की जाएगी, जिसके संदर्भ में पहले ही तमाम सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा चुका है युवाओं को इसके बारे में। तो साथ ही विजुअल आप देख पा रहे हैं भारतीय शिक्षा संकुल के अंदर जो सेंटर लोड किया गया है राजस्थान के सीकर से, जिसके अंदर इन युवाओं के एग्ज़ाम को लेके बाहर के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के पश्चात जो भी दर्शे रहेंगे, जो भी अंदर की अपडेट रहेगी युवाओं की ओर से, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और पहली बार बड़ा बदलाव हुआ है जिसके तहत ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए साथियों मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, बेहद जल्द आपसे आगे की जो भी अपडेट रहेगी उससे अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।